भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिए? दोस्तों, बड़ा ही रहस्यमय कथा, आइए जाने। ये तो सच है कि सब कुछ विधि के विधान के द्वारा होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना ही होता है। उसी प्रकार जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर लिए तब उनका समय पूरा हो गया तथा उन्हें धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इस घटना का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा था, जब श्री राम ने लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौट आने और राजा बनने के उपरांत श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए, तब उन्हें सूचना देने स्वयं महाकाल एक तपस्वी के रूप में श्री राम के दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई तथा उन्होंने उनसे कहा कि वे तपस्वी अतिबल के दूत हैं तथा एक महत्वपूर्ण कार्य बस वे श्री राम से मिलने आए हैं। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के आज्ञा पाकर महाकाल को उन्हें कच्छ में ले गए। जब श्री राम ने महाकाल से उनके यहाँ आने का कारण पूछा तो महाकाल ने कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वो अत्यंत गुप्त है, इसलिए जब वे इस संदेश को उन्हें सुना रहे हो तब उस समय उनके कच्छ में कोई न आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख ले भी तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह द्वारपाल को भेज देता था स्वयं कच्छ के द्वार पर पहरा दे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य ही उन्हें प्राण दंड मिलेगा। इसके पश्चात महाकाल ने अपने असली रूप में आकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने वहां आने का कारण बताया। उन्होंने श्री राम से कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आया हूँ। उन्होंने श्री राम जी को बताया है कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राम रूपी अवतार में उन्हें अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है, इसलिए अब उन्हें परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। तब श्री राम ने महाकाल से कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा मैं अपने धाम को लौटना चाहता हूँ, इसलिए यह संदेश ब्रह्मा जी तक आप पहुँचा दें। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि वे उनके आने की सूचना तत्काल श्री राम को दे। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम अभी किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन महर्षि दुर्वासा ने कहा कि नहीं, मुझे अभी मिलना है, इसलिए आप मेरी सूचना उन तक पहुंचा दो। तब लक्ष्मण ने कहा, भगवान आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं आपका सूचना नहीं पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए तथा उन्होंने कहा कि यदि हमें क्रोध आ गया तो मैं इसी समय अपने शक्ति से पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण यह बात सुनकर धर्म संकट में फंस गए और सोचने लगे कि यदि केवल मेरी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो हमें अपने प्राण दे देनी चाहिए। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर श्री राम के कक्ष में पहुंच गए तथा उन्होंने दुर्वासा ऋषि को मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहाँ देख कर महाकाल अंतर ध्यान हो गए, श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राज्यसभा बुलवाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई मंत्री तथा लक्ष्मण हनुमान उपस्थित थे। मंत्री सुमंत तथा
भरत ने लक्ष्मण को क्षमा करने के अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात का विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए तथा अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का परित्याग करना उसे मृत्यु दंड देने का समान होता है, इसलिए तुम लक्ष्मण को परित्याग कर दो। महर्षि वशिष्ठ के इस बात से सहमत हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग करने को कहा। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात उनका आशीर्वाद लेकर सरयू नदी पर गए तथा अपने सांस को गति को रोककर अंतर ध्यान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वे अपने धाम बैकुंठ पहुंच गए तथा शेष नाग के रूप ले लिया। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।